दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फंदा डालना। जैसे ये हमने ऊन ये लिया, इसको फोल्ड डबल किया। एक बार और हम इसको ऐसे करेंगे, फिर इधर आकर के ये फिर हमने ये तीन तीन उतार करके हमने लिया। अब फिर इसको हम इस ऐसे करके ऐसे देखिए यहाँ से टाइट कर देंगे। ये हमने टाइट कर दिया। अब इसमें हम ये फंदा इसको सिलाई ऐसे करेंगे। अब ये सिलाई इसमें हमने डाला और उसके बाद इस तरीके से ऐसे मोड़ करके और फिर ये ऐसे करेंगे। ये हमारा ऐसे फंदा एक एक करके बनता जाएगा। फिर हमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ये फंदा इस तरीके से फंदा एक एक करके डलता जाएगा। आपका इस तरीके से ये देखिए ऐसे ये फंदा, ये नीचे जब अब हम स्वेटर बीनते हैं तो लूज़ नहीं होता, इससे स्वेटर में एकदम तनावट बनी रहती है, टाइट रहता है फंदा, देखने में भी बॉर्डर अच्छा लगता है। अब चाहे एक सीधा, चाहे एक उल्टा का, चाहे जैसे भी आप बॉर्डर बीनिए तो ये मुड़ता नहीं है नीचे से। ये देखिए ऐसे, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम आपको बीन करके भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे हमने लिया, ये हुआ उल्टा, इसको हमने एक फंदा उल्टा बीना, दूसरा फंदा हम सीधा बीनेंगे। तो ये आपका जो है पूरा अच्छी तरीके से फंदा डल करके खूब अच्छे आते हैं और ये लूज़ भी नहीं होता है, नीचे बिल्कुल टाइट बना रहता है। इस तरीके से ये इस पे बॉर्डर बीन है तो ये बहुत अच्छा बिनाता है। ये देखिए ये देखिए ऐसे, इसको मैं 9 नंबर की तीली से भी सिलाई से बीन रही हूँ। ये देखिए ऐसे ये ऐसे आते हैं इस तरीके से। खूब आराम आराम से ये देखिए ऐसे ऐसे ये फंदे इस तरीके से उतर के आते हैं। ये देखिए इस तरीके से फंदे डाले हुए आपके स्वेटर बहुत अच्छे और नीचे के बॉर्डर बिल्कुल टाइट रहते हैं। चाहे देखिए मैं एक बार और आपको बीन के दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल भी फंदा लूज नहीं होता है। ये देखिए ये देखिए एक सीधा एक उल्टा मैं बीनी हूँ बॉर्डर। आप चाहे तो जैसे दो सीधा एक उल्टा या बीच से निकाल करके उस तरीके से भी कई तरह के बॉर्डर बिनाते हैं। फिर मैं डाल बॉर्डर बीन करके आप फिर से दिखा दूँगी। ये देखिए ऐसे इस तरीके से बिल्कुल सरल और सुंदर। ये देखिए ये बिनने के बाद इतने अच्छे बॉर्डर ऐसे आते हैं।